नमस्कार, प्रकृति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आजकल हम सब लोग मास्क पहन रहे हैं, पहन के हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो आज मैं उसी मास्क से कुछ बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। ये मेरे पास सर्जिकल मास्क है, यूज किया हुआ है। तो यूज करने के बाद इसको मैंने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। आप चाहें तो पानी में इसको बॉयल करके उसके बाद भी धूप में सुखा सकते हैं, या आप डायरेक्ट धूप में रख दीजिए, उसके बाद यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको दोबारा पहनना नहीं है, इससे मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं इससे क्या बनेगा। तो ये मैंने एक मास्क लिया और इसका इलास्टिक काट दूंगी, तो इसको भी हम कुछ बांधने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, मास्क का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम इधर से कट कर देंगे, इस साइड से भी काट देंगे। तो ये खुल गया पूरा। अब ये साइड से भी हम निकाल देंगे इसका, ये जो बंद वाला पार्ट है, इस साइड से भी हम ये पार्ट निकाल देंगे। ये देखिए, ये पूरा खुल गया। अब इसमें से ये हम फेंक देंगे। इन दोनों को भी हम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर एक वायर लगा होता है, जो हम अपने नाक के ऊपर लगाते हैं ऐसे दबाने के लिए। तो वो वायर हम इसमें से निकालेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे और ये वायर ऐसे निकल आएगा। ये देखिए, वायर निकाल लिया मैंने। अब इस वायर को भी हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये तीन लेयर में होता है मास्क, एक दो तीन। तो इसको हम ऐसे बीच से हाफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, और इसको काट लेंगे। हमारे पास छह लेयर हो गया। अब इसको हम ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। वो इसलिए कि इसमें एक लेयर जो है वो ब्लू है और बाकी दो लेयर वाइट है। तो ये एक ब्लू, दो वाइट, फिर एक ब्लू और दो वाइट, ऐसे हो गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे प्लेट की तरह से। ये देखिए, ऐसे जैसे हम प्लेट बनाते हैं वैसे इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसके सेंटर में हम यही वाला वायर लेंगे और इसको ऐसे सेंटर में पकड़ लेंगे, और ऐसे करके आप देख लीजिए, हाफ हाफ है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए वायर। अब इसको हम उलट देंगे और यहाँ पे वायर को ऐसे बांध देंगे। ये देखिए, मैंने बांध दिया। आप चाहें तो पहले इसको धागे से बांध दीजिए, फिर वायर लगा दीजिए, या आप डायरेक्ट वायर से ही बांध दीजिए। अब इस वायर को कवर करने के लिए मैंने ये ब्लैक टेप लिया है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला टेप है, जो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। अब इसके लेयर को हम खोल देंगे। ये देखिए, ये मैंने खोल दिया है। अब इसमें थोड़े से जो ऊपर नीचे हैं उनको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, एक सुंदर सा फ्लावर बन गया। तो ऐसे ही हम ये ढेर सारे फ्लावर बना लेंगे और इसको अपने अकॉर्डिंग बंच बना के, या जैसे भी हो, आप डेकोरेट कर सकते हैं। मास्क का जो हमने पार्ट अलग किया था, ये इससे भी अब हम कुछ बना लेते हैं। ये देखिए, जिसमें से मैंने वायर निकाला था और यहाँ कट किया था, हमें ऐसे ही पूरे इसको कट कर देना है। ये देखिए, मैंने काट लिया। ऐसे ही इसको भी काट लेंगे। फिर से एक वायर निकालेंगे एक मास्क से। ये देखिए, उसके बाद इसको हम हाफ करके कट कर लेंगे, क्योंकि हमें छोटा सा ही वायर चाहिए, तो इसमें हमारा दो बन जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे ऐसे, और एक कट में इसको ऐसे फंसा देंगे। ये मैंने फंसा दिया। अब इसको ऐसे टाइटली रोल कर देंगे। बहुत टाइट रोल करना है, ढीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये रोल होके एक फ्लावर टाइप का बन गया। अब इसको हमें बांधना है। हम इस पे डायरेक्ट टेप भी लगा सकते हैं,
और या फिर हम थ्रेड से इसको बांध सकते हैं। तो हम थ्रेड से बांध के इसको दिखाते हैं। थ्रेड लिया है और इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसे टाइटली 3-4 बार लपेट के और इसको बांध दीजिए। तो ये देखिए, ये भी एक सुंदर सा फ्लावर टाइप का बन गया। अब इसमें भी हम टेप लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से भी हम ढेर सारे बना लेंगे। तो ये खुल गया, इसको भी वैसे ही हाफ हाफ कर लेंगे। इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करके हाफ कर लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे 4 पीस में हो गया। अब हम ऐसे ही एक छोटा वाला वायर लेंगे जो कट करके रखे थे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस वायर को इसके अंदर ऐसे डाल के और ऐसे इसको पकड़ लेंगे। अब एक दूसरा वाला लेयर लेंगे। आप वाइट ब्लू कोई भी लेयर ऊपर कर सकते हैं, तो मैं वाइट कर दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे करके और इसको बहुत नीटली ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए, और इसको हम धागे से बांध देंगे। ये देखिए, धागे से बांध दिया मैंने। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम काट देंगे धागे के नीचे से। इसमें भी टेप लगा देंगे। ये देखिए, एक छोटी सी कली बोल सकते हैं इसको, बन गई। ये देखिए, इसको भी ढेर सारे बना लेंगे। तो एक मास्क से हम एक फ्लावर और इस तरह के छोटे फ्लावर और इस तरह की कलियां बना सकते हैं। अब ये बनाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको असेंबल कर सकते हैं, पर मैं असेंबल करके बता रही हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने अब ये वायर लेंगे और एक फ्लावर लेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम टेपिंग करेंगे। तो ये मैंने टेप ले लिया और इसको कवर करते हुए इसमें पूरा लपेट देंगे। थोड़ा हमने लपेट लिया, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक फ्लावर हमारा और लग जाए। तो ये देखिए, यहाँ हम ऐसे रखेंगे फ्लावर के नीचे। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ गैपिंग। देखिए, ये जितना हमने इसमें वायर लिया है उतनी ही गैपिंग है, वायर तक हमने लपेट लिया टेप को। अब यहीं पे हम इसका दूसरे फ्लावर का अपर पार्ट रखेंगे। ये देखिए, तो ये इसके नीचे आ रहा है ऐसे। अब इस पे भी हम टेप को ऐसे लपेटते जाएंगे। ये देखिए, दूसरा भी हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक और लगाती हूँ, नीचे हम एक और लगा देंगे। तो ऐसे करते हुए आपको जितनी लंबी स्टिक बनानी हो उतनी लंबी स्टिक ये आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्टिक तैयार हो गया। और इसी तरह से मैंने एक 4 का स्टिक और बना रखा है। एक मैंने ये 6 फ्लावर लगा रखे हैं स्टिक में। तो ये देखिए, इस तरह से आप जितने चाहें स्टिक बना के और चाहें तो ऐसे पॉट में भी लगा सकते हैं। और कुछ भी ना करिए, किसी भी तरह के पॉट में इसको ऐसे डाल दीजिए। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, जैसे चाहें लगा सकते हैं। अब हम इसको अलग रखते हैं। अब इसको भी हम असेंबल करेंगे। इसको भी असेंबल करने के लिए हम एक वायर लेंगे। देखिए, इसका एक पीस लिया और इसको भी हम फ्लावर की तरह ही यहाँ पे रखेंगे और टेपिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम एक दूसरा ऐसे लगाएंगे। अब एक हम इसके नीचे इधर लगा देंगे साइड में, एक फिर इसके साइड में लगा देंगे। यहाँ नीचे लगा दे रही हूँ, एक और लगा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये भी एक स्टिक बन के तैयार हो गई। तो इस तरह से हम ये कई बना लेंगे। जितना आप चाहें उतने स्टिक बना के इसको भी आप चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसको असेंबल कर सकते हैं। अब इसकी भी स्टिक बना लेंगे हम। तो इसको भी हमें वैसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाली स्टिक बनाई थी। तो ये देखिए, ये भी एक स्टिक बन गया और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है।
ये हमारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग असेंबल कर सकते हैं। मैं असेंबल करके दिखा रही हूँ आपको। इसके लिए हम एक पॉट बनाएंगे, तो मैंने ये मिठाई का डिब्बा लिया है, छोटा सा है प्लास्टिक का, तो इसी से हम बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम कपड़ा लगाएंगे, तो ये मैंने एक जीन्स का कपड़ा ले लिया है। आपके पास जो भी कपड़ा अवेलेबल हो, पुराना कोई भी पीस हो, आप उसको ले लीजिए। और इसको मैं ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ। आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये फेविकोल से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे ग्लू लगा के इसको यहाँ चिपका दूंगी। देखिए किनारों पे ग्लू लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेते हैं और यहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे ताकि कपड़ा निकले ना। तो ये ग्लू से ही हम इसको चिपका देंगे फोल्ड करके। अब ये जो कपड़ा इधर बचा है इसको अंदर की तरफ चिपका देंगे। ये देखिए इधर मैंने चिपका दिया। अब ऐसे ही हम बैक साइड में भी चिपका लेंगे ये। तो इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, ये मैंने कट कर दिया। अब इसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा सर्कल काट के ऐसे चिपका दें ताकि ये सुंदर सा हो जाए। ये देखिए ये चिपका दिया मैंने। अब ये एक सुंदर सा पॉट तैयार हो गया। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, पर ये ऐसे ही सुंदर लग रहा है तो मैं लेस नहीं लगा रही हूँ। हम इसको थोड़ा सा वेटेड करेंगे। वेट इसलिए करेंगे इसमें कि फ्लावर हमारा थोड़ा वेटेड हो जाएगा तो ये पॉट जो है रुकेगा नहीं, गिर जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा इस तरह का स्टोन जो होता है, जो रोड पे या स्लेब डालने में पड़ता है, उसको हम डाल देंगे। तो थोड़ा सा वेटेड हो जाएगा ये। ये मैंने स्टोन डाल दिया इसके अंदर। अब हम इस तरह का थर्माकोल का कोई पीस लेंगे, हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, तो इससे हम एक सर्कल काट लेंगे इसको। या तो आप ऐसे नाप के काट लीजिए, इससे इस वाले पार्ट से थोड़ा सा बराबर गोल होना चाहिए। तो ये मैंने काट लिया है। अब इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। इसमें किनारों पे थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं ताकि ये उसके अंदर चिपक जाए जाके। तो ये छोटा सा पॉट बन के तैयार है। तो ये देखिए ये हमारा बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा फ्लावर का एक बकेट तैयार हो गया है। और पॉट भी मैंने वेस्ट से बनाया है, फ्लावर भी वेस्ट से बनाया है। इसमें कोई ज़्यादा सामान भी नहीं यूज़ किया मैंने, बस टेप लगा है और एक मास्क से हमने इस तरह के फ्लावर बना करके और इसको डेकोरेट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि इस फ्लावर को मैं किसी और तरह से भी असेंबल कर सकती हूँ। और आप भी चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको असेंबल करिए और सुंदर सुंदर फ्लावर बनाइए और मास्क जरूर पहनिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।